अग्निवीर पर सियासी तकरार के साथ जारी है वार पलटवार और विपक्ष लगातार इसे सियासी मुद्दा बनाए हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार विपक्ष को इस पर जवाब दे रहे हैं। अग्निवीर स्कीम पर अखिलेश यादव एक बार फिर से निशाना साधते दिखे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर स्कीम को हटाएंगे। और राहुल गांधी ने भी अग्निवीर के खिलाफ लोकसभा में चुनाव प्रचार में भी मोर्चा खोला था और ऐसे में करगिल दिवस पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया और कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने लगातार झूठ और भ्रम फैलाया है। देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। पेंशन खत्म करने के झूठे आरोप लगाए लेकिन विपक्ष ने सिर्फ भ्रम का माहौल बनाया। आज इसी पर करेंगे डिबेट लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अग्निवीर पर बयानों के तीर, सियासत बेहद गंभीर। पहली बार हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कारगिल दिवस पर राजनीतिक बात कर रहा है, राजनीतिक बांच रहा है। और सच बात यह है कि अग्निवीर को अगर पेंशन मिलती हो तो हम आपत्ति अपनी दर्ज खत्म कर देंगे। राहुल के सवालों पर पीएम मोदी का करारा जवाब। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। अग्निवीरों को मिलेगी पेंशन, विपक्ष को क्यों टेंशन? अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी? अखिलेश बोले सत्ता में आएंगे 24 घंटे में अग्निपथ हटाएंगे। अखिलेश का वार योगी का आरक्षण वाला पलटवार। तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, कर्नल जेएस सोडी जी हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले एसएन सिंह जी, विपक्ष ने खासतौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि करगिल विजय दिवस के दिन आपने यानी कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बात की और अग्निवीर का जिक्र किया, उस पर राजनीति की। नहीं देखिए, सवाल कौन कौन उठा रहा है? ऐसे लोग जो सिमी का समर्थन करते हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोग कहेंगे। और आज ये झूठ की दीवार इनकी साफ साफ दिख रही है कि जहां देश के स्वाभिमान की बात होगी, सम्मान की बात होगी, सैनिकों की बात होगी, इनको चुभ जाएगा। अरे भाई क्या कहा जा रहा है? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सैनिकों के सम्मान के लिए जो अगर 4 वर्ष की अवधि पूरा कर लेते हैं उनको हम रिजर्वेशन देने का कार्य करेंगे, पीएससी में रिजर्वेशन देंगे, पुलिस में रिजर्वेशन देंगे, उनको और सुविधाएं देंगे, 25% लोगों को समायोजित कर लेंगे, बाकी बचे 75% लोगों को क्रमशः समायोजित करेंगे, तो इतनी अच्छी बात क्या ये उस दिन नहीं हो सकती? हो सकती है भारत की बात, भारत में और भारत के दिन होगी तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनसे पूछिए कि यासीन मलिक की बात तो ये करते थे, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने वाले लोग, जो सेना अध्यक्ष को मैं कह नहीं सकता हूं कैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग, ऐसे लोग तो सवाल उठा सकते हैं। देखिए आस्था जी, आज देश में हो क्या रहा है? आज देश की जो विदेशी ताकतें हैं उनके पैसे के दम पर देश में भी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, जैसे जार्ज सोरोस कहता था कि भारत को उथल पुथल करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी जी, उसी तरह से अखिलेश यादव जी,
कभी देश खतरे में है, कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी संविधान खतरे में, कभी सैनिकों पर सवाल उठाइए, लेकिन इनसे एक चीज कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं ये किसी दूसरे धर्म के जाति की बात करेंगे, दूसरे धर्म के वर्ग मण की बात करेंगे, दूसरी कोई बात हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए अभिमन्यु त्यागी जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी हैं। ये तमाम आरोप जो आपने लगाए अभिमन्यु त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि करगिल विजय दिवस के दिन पर राजनीति की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक बात की। आप बीजेपी इसको कह रही है कि आप बताइए 8 राज्यों में तो रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है, अग्निवीर जो सेवानिवृत्त होकर आएंगे, इसके अलावा भी जो आप जाति धर्म की राजनीति करते हैं, आपके लिए देश सर्वोपरि है कि नहीं है, एक युवा सेना की जो परिकल्पना की जा रही है, पेंशन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं जबकि सरकार का कहना है सबका बंदोबस्त है। आस्था जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के जाति धर्म की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का तो पहले से नारा जात पर ना पात पर बटन दबेगा हाथ पर। और देखिए जहां तक देखिए सैनिकों के सम्मान की बात है, इसी देश में जिन लोगों पर आरोप लगता रहा देशद्रोही होने का, उसको इन्होंने लाल कारपेट बिछाकर अपनी पार्टी में शामिल कराया और साथ में माननीय बनाया। जो देश के लिए लड़ने वाले रणबांकुरे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और देश के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेना में जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या लेकर आइए? अग्निवीर, जहां सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस नीति का विरोध करता है। हम लोग विरोध करते हैं कि जो देश में जिस तरह से ये अपनी एक पॉलिसी लेकर आ रहे, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ जो देश के सचमुच में जो वक्त है उनके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप लोग अग्निवीर लेकर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनती, कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस के सभी दलों का एक मत रहा कि हम ये अग्निवीर योजना इसको खत्म करेंगे और डायरेक्ट पूर्ण तौर पर पक्की नौकरी दी जाएगी, पेंशन भी होगी, जिसमें उनका जो कार्ड होगा उस कार्ड से कैंटीन का लाभ भी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सैनिक को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, इन सारी बातों में समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है कांग्रेस के? स्पष्ट तो आप लोग भी कर चुके हैं कि ये खत्म करेंगे अगर आपकी सरकार आती है। योजना को 24 घंटे के भीतर खत्म कर दिया जाएगा और उसको खत्म करने के पीछे एक तर्क है और कारण है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। जिस देश में एक देश एक चुनाव, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक सिम कार्ड, तो एक देश एक जैसी सेना क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की बांटने वाली नीति और बांटने वाला नजरिया है। शायद इसी वजह से इन्होंने सेना में भी दो तरह की सेना की भर्ती का परिकल्पना किया। रही बात जो इसका तर्क बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना हम इस वजह से ले आए हैं, देखिए भारत की सेना इस दुनिया की सबसे अच्छी सेना मानी जाती है, लड़ने के मामले में, शहादत के मामले में और देशभक्ति के मामले में। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। जो सेना की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि देश के लिए आप अगर कुर्बानी भी देनी हो तो उसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। संकोच क्यों नहीं होता है? उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि आपको पुराने पेंशन का लाभ मिलता है, अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि सैनिक की शहादत हो जाए तो शहादत होने के बाद उसके जो माता पिता हैं वो इस पे गर्व करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी किसी सेना के जवान का शव आता है घर पे, पार्थिव शरीर आता है, तो उसके माँ बाप हो या भाई हो या बच्चे हो या उसकी पत्नी क्यों ना हो, वो हमेशा गर्व करते हैं। गर्व क्यों करते हैं? उनके मन में एक सुरक्षा की भावना भारत सरकार ने दिया है कि अगर आपकी शहादत हो जाती है तो आपको पेंशन मिलेगा और उसी पेंशन से। ठीक है, तो एसएस सिंह जी, इस पेंशन को लेकर आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे क्या? यही पेंशन है और कांग्रेस भी कह रही है कि इस पर आश्वस्त कर दें तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए आस्था जी, इसको कहते हैं ना आंख के अंधे नाम नैनसो, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? एनसीसी कराया जाता था, 3 साल की ट्रेनिंग होती थी और केवल ट्रेनिंग के पैसे सरकार देती थी, ऐसे ही लड़के करते थे। इसमें भी 25 वर्ष तक, मतलब 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग 4 साल जाएंगे, 4 साल के बाद समायोजन की बात हो रही थी। अभी देखिए कितनी चालाकी से धर्मेंद्र जी ने कहा कि देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं धर्म की बात है, जब हम कहते हैं कि स्कूलों में एक व्यवस्था होनी चाहिए, सब लोग एक ड्रेस कोड में आएंगे तो कहेंगे नहीं वो उनका विधान है, उनका परिधान है। तो मुझे लगता है कि हमेशा इस देश को बरगला के,
एक धर्म की राजनीति करके तुष्टिकरण के 20% वोट को इकट्ठा करके, मतलब आस्था जी मेरा वाला कुछ भी करे तो ठीक है, और देश वाला जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मृत्यु होने पर 50 लाख रुपया इनको भी मिलेगा, 48 लाख रुपया अग्निवीर को मिलेगा, अनुग्रह राष्ट्र आस्था जी आप बताना चाहेंगे जो परमानेंट सैनिक होता है उसको 25 ही लाख मिलता है, लेकिन भारत सरकार इस नाते उनको 44 लाख देती है कि उनको पेंशन नहीं मिलता है, ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पे 8 लाख इनको 8 लाख उनको, तीसरी बात 5,000 रुपए जो परमानेंट सैनिक होते हैं वो उनके उससे सैलरी से कटता है, लेकिन जो हमारे अग्निवीर हैं उसको सरकार देने का कार्य करते है, अलग से स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे की है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आप दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी नीतियों का समर्थन करना चाहिए, न कि हर बात का विरोध। कभी मैं तो कहूंगा आस्था जी डरे लग रहा है कि आते आते सिमी से सब प्रतिबंध हटा देंगे, फिर पीएफआई से प्रतिबंध हटा देंगे, फिर 370 पे से प्रतिबंध हटा देंगे, फिर राम मंदिर, मतलब क्या क्या वादा किए हैं, कोई कहता है कि हम पुनः वहां पे मस्जिद बनवा देंगे, कोई कहता है हम पूरा 370 ले आ देंगे, कोई कहेगा हम अग्निवीर हटा देंगे। जवाब देना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव जी भी और अभिमन्यु जी भी, पहले अभिमन्यु जी। देखिए अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है आस्था जी, जिस तरह से एस एन सिंह साहब कह रहे हैं पूरा हिंदू मुसलमान राम मंदिर पे पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आप ठेके पर क्यों लेकर आए फौज की भर्ती, आप अग्निवीर क्यों लेकर आए, आप बता रहे हैं कि जब शहीद होगा 25 लाख। एनसीसी की एक बात कही तर्क से, अगर एनसीसी की एक बात कही तर्क से, अगर सचमुच में इतनी अच्छी है तो पूरी फौज को और सारे सिस्टम को आप सीधा ठेके पे जो ला दीजिए, रेलवे को ठेके पे ला दीजिए, शिपिंग को ठेके पे ला दीजिए, आप पूरी देश की सारी व्यवस्था को ठेके पे ला देंगे। ठीक है, आप तो ठेके पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए जवाब जवाब के लिए फिर लौटेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, 20 सेकंड आपकी बात, क्योंकि उसके बाद में डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करूंगी, क्योंकि चर्चा से जो कुछ बिंदु समझ में आ रहे हैं एक बार उस पर वो ही रोशनी डालेंगे, लेकिन 20 सेकंड धर्मेंद्र जी। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत बिल्कुल सही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, भारतीय जनता पार्टी जो योजना लेकर आई है ठेके वाली सेना में, वो भी उसमें इन्होंने कहा था कि हम 75% अग्निवीरों का समायोजन करेंगे, लेकिन दोगले लोग हैं, दोगली बातें हैं, कभी अपनी बात पे खड़े उतरे नहीं आज तक, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक आप देख लो तो कभी खड़े नहीं उतरे अपनी बात पर, और जब समायोजन नहीं कर पाए तब उसके बाद उस बात को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सा गुफा छोड़ा है। असल बात यह है कि ये जो योजना है पूरी तरह से बेकार है, सेना के लिहाज से, देश के लिहाज से किसी भी तरह से सही नहीं है, और सेना के परिवार वालों के लिहाज से सही नहीं है। आस्था के 10 सेकंड भाषा पे देंगे, आस्था जी मैं अनुरोध करूंगा भाषा पे 10 सेकंड देंगे, कैसी दुगली बात, कैसी कैसी भाषा, कैसी कैसी हमारे भाषा, अरे भाई सिमी का समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को छोड़ने वाले, आतंकवादियों को पनाह देने वाले, आतंकवादियों के घर जाके सेवैया खाने वाले, ऐसी बात करेंगे लोग, सैनिकों पर सवाल उठाने वाले, सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाने वाले, ऐसी बात करेंगे, डटके उसकी बात कहिए, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इन बातों को आस्था जी कहने के लिए, उन्होंने कहा नहीं योजना सही है। मुझे लगता है कि विरोध करने के लिए किसी भी तरीके से आस्था जी देश को तोड़ने का एक कुचक्र चल रहा है आस्था जी, और ये कुचक्र ऐसे नहीं चल रहा है, ये कुचक्र पैसे पे चल रहा है। चलिए इसी चक्र के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट से समझ लेते हैं, कर्नल जीएस सोडी जी हमारे बीच में है, कर्नल जीएस सोडी जी आपसे समझना चाहेंगे, अग्निवीर यानी सेना को लेकर जो देश में राजनीति हो रही है उसके लिए 2-3 बिंदु निकल के सामने आए, कहीं तो विपक्ष ये कहता है कि पेंशन की व्यवस्था नहीं है उनके साथ छल है, फिर कहता है कि 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनका आगे क्या होगा, कई स्टेट्स 8 राज्य जो हैं वो उनको रिजर्वेशन की बात कह चुके हैं पुलिसिंग में या फिर पीएसी या फोर्सेस में, तो ऐसे में पेच कहां फंसा है, कोई कहता है कि ये सेना के हित में है, एक युवा फौज जो होनी चाहिए या उसकी जो जरूरतें हैं या फिटनेस जो है वो होनी चाहिए, कोई कहता है कि सेना के लिए जो बलिदान होता है या जो एक शहीद और उसका परिवार होता है उससे जुड़ी हुई वो पेंशन है जो उसको संबल देती है और वो उसका अधिकार भी है। जय हिंद आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ लिखा है कि चीन और पाकिस्तान भारत के ऊपर 2 फ्रंट वॉर करेंगे, और सारी टाइमलाइन जो पब्लिक डोमेन है वो है कि 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, यानी कि 11 साल बचे हैं।
अब ये अग्निपथ स्कीम का आना, इसके दो पहलू हैं, सामाजिक और सुरक्षा से। पहले मैं सुरक्षा के मामले पे बोलूंगा। अगर एक सिविलियन ने कार चलानी है, उसे 2.5 से 3 साल लगते हैं कार चलाने पे माहिरता हासिल करने के लिए, लेकिन एक फौजी टैंक, फौजी तोप या फौजी गाड़ी अगर चलानी है, क्योंकि वो अलग अलग टेरेन में चलानी होती है, पहाड़ों में, बर्फ में, रेगिस्तान में, उसे 8 से 10 साल लगते हैं अनुभव लाने में। और 8 से 10 साल का अनुभव आने के बाद ये एक सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अगर हम 75% सैनिकों को 4 साल में रिटायर कर देंगे, एक समय आएगा जब हमारे पास युद्ध के लिए अनुभवी सैनिक नहीं होंगे। और इसके मैं दो छोटे मिसाल देना चाहूंगा आस्था जी। 2008 में रूस ने ऐसे परिवर्तन किए, उनकी 45% सेना है जो कि 1 साल की नौकरी करती है, 25% सेना है जो 6 साल की नौकरी करती है। आप देख लीजिए 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुछ 2015 में इसराइल ने किया, उन्होंने अपनी सेना की। कर्नल जे सोडी जी, आप भी एक युवा फौज को और एक एवरेज एज, मतलब एक जो यंग एज होनी चाहिए जिसकी जरूरत है सेना के अंदर, आप उसके पक्ष में हैं। लेकिन यहां पर जिन पॉइंट्स पर राजनीति हो रही है, एक तो है पेंशन और दूसरा है कि 4 साल बाद क्या होगा, क्या सेना में कोई भेदभाव आएगा कि देखिए ये तो अग्निवीर है, ये 4 साल वाली कैटेगरी है, ये रेगुलर रिक्रूटीज है, इस तरह की बात हो रही है? आस्था जी देखिए, फर्क तो आएगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि कम एज की बात अलग है, लेकिन हमारे पास युद्ध के लिए अनुभवी सैनिक नहीं बचेंगे जब हम पे युद्ध होगा 11 साल के बाद, क्योंकि 8 से 10 साल लगता है एक सैनिक को युद्ध के लिए ट्रेन करने के लिए। अगर हम 75% को रिटायर करें 4 साल बाद, तो हमारा जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाएगा। और मैं आपको एक और इसका जो आंकलन दे रहा था, इसराइल ने कुछ ऐसा किया 2015 में, उन्होंने सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग की अपने सोल्जर्स की, उनकी सर्विस सिर्फ 32 महीने की। आप देखिए 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसराइल जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती थी, 9 महीने से ज्यादा वो हमस को हरा नहीं पा रही है। तो एक तो है जो सुरक्षा के लिहाज से इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, दूसरा सामाजिक इंप्लीकेशन है। देखिए कोई भी सैनिक जो नौकरी करता है, जब उसे एक आश्वासन होता है कि मेरी सर्विस पूरी होगी, मुझे पेंशन मिलेगा, तो वो दिन रात कहीं पे भी ड्यूटी दिल लगा के करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरे परिवार वालों को पूरी तरह से पेंशन के साथ सुरक्षित रखा। हमारे बीच में जैनेन्द्र अर्कवंशी जी भी है, सुभाषपा के प्रवक्ता। ठीक है एसएन सिंह जी, आप बात रखना चाहते हैं, एक बार कमेंट जैनेन्द्र जी से ले लेते हैं। जैनेन्द्र जी, यहां पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है और उसी तरह की राजनीति की एंट्री सेना में होने जा रही है अग्निवीर के थ्रू। नहीं, कौन सा विपक्ष आरोप लगा रहा है? वो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहला जो घोटाला, जीप घोटाला हुआ था, वो सेना के नाम पे ही किया गया था और आगे चल के उन्हीं कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री बना दिया गया था। या वो कांग्रेस कर रही है जो पिकनिक के लिए युद्ध पोत को ले जाती थी अंडमान में, पूरे परिवार को, सोनिया जी के, राजीव जी के और सोनिया जी के पूरे रिश्तेदारों को घुमाने ले जाते थे और पिकनिक मनाते थे, या बोफोर्स घोटाले वाले लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं। या समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है जो आजम खान जी का बयान है और उस पर आप देखिएगा, उस पर FIR भी दर्ज है और अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, MP MLA कोर्ट में केस चल रहा है, जो उन्होंने अभद्र बयान दिया था सेना के ऊपर। ये लोग केवल राजनीति के लिए सेना को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि सेना की जो औसत उम्र आज के डेट में हमारे यहाँ पे है वो 31 से 31.5 साल है, और जबकि अन्य देशों में जो विकसित देश है, अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, या इजराइल का अभी हमारे सर ने जिक्र किया, लगभग 24 से 26 साल के बीच में औसत एज है। साथ में मैं बताना चाहूंगा जो हमारे, नहीं नहीं बस 10 सेकंड और दीजिए, हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे भाई ने, धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि उन्हें संकोच होगा। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि शहादत देते समय सेना के वीरों को जो अग्निवीर के अग्निपथ स्कीम के द्वारा बने हैं उन्हें संकोच होगा। भैया किसी को संकोच नहीं होता, एक आम आदमी भी देश के लिए शहादत देने को तैयार। अभिमन्यु जी, उसके बाद एसएन सिंह जी का मैं रुक करूंगी, कलेक्टिव जवाब उनसे लेंगे। बोलिए अभिमन्यु जी। पैसे देख के शहादत दी जाती है सेना में। अरे भाई बैठे हुए हैं,
तो भाजपा के जो साथी है हमारे भाई है, आज बेशक उनके साथ है लेकिन अभी भी झगड़ा इनका चल रहा है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, माओवादियों पर कार्रवाई करने का उनको जाने का मौका मुझे बता दीजिए, आपने वन पेंशन क्यों नहीं दी थी? आस्था जी के शो में आया हूँ मैं, इन्हें जवाब देना चाहूंगा। कर्नल साहब की बातों को मैं सुनता जनता को पता चलना चाहिए। ठीक है जयविंदर जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है उसका जवाब हम लेंगे, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए, हमारी बात कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब की बातें मैं सुन रहा था, बेशक चिंता का विषय है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, तो उसके लिए राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं चीन लगातार अतिक्रमण कर रहा है। कर्नल साहब बताएंगे आज कितने चिंता का विषय है। आप परमानेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, इस समय फौज में भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं परमानेंट? हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं ये अग्निवीर धोखा है, अग्निवीर देश की जनता के साथ, किसान मजदूर जो गरीब जो किसान के बच्चे हैं उनके साथ ये धोखा, कुछ धोखा ही लगता है। मैं एक हमारे जो यहाँ पे सेना के रिटायर्ड कर्नल या जो भी सेना के अधिकारी बैठे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ, भारत माता की जय कहते हुए एक बात बताता हूँ। भारत के डिफेंस मिनिस्टर लोकसभा में बयान देते हैं और उन्होंने कहा, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहा, आदरणीय मैं आपके लिए कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों की 100 की आवश्यकता है तो हम 400 पहले भर लेंगे ताकि ट्रेंड हमको 25 में, अगर 400 के 25% करेंगे तो 100 हमको मिल जाएंगे, कहीं से भी हम उसमें कमी नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, तक सेना में बहुत सारे देशों में, दुनिया के लगभग 27 विकसित देशों में इस तरह की सेना तैयार की जाती है जिसका मॉरल आदरणीय आपकी तरह हाई होता है, जो दूसरे सेक्टर में भी जाके देश के प्रति उतनी उपादारी उतनी ईमानदारी दिखाता है, उस 75% से में से होंगे, चाहे पुलिस में जाए पीएससी में जाए। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि फ्रंट वार पे बहुत ऐसे सैनिक नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी साजो सामान की, सैनिक साजो सामान की, असैनिकों की कमी भारत की राष्ट्रवादी सरकार में होने नहीं पाएगी। ये नेशनल आपके जिम्मेदार चैनल पे न्यूज 18 पे कह रहा हूं और लोकसभा में आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बयान है, हमें 100 चाहिए, हम 400 सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, 25% में 100 वहां से पूरा, जो बाकी 75% रहे वो पीएससी में गए, सर्विस सेक्टर में गए, पब्लिक सेक्टर में गए, बहुत सारे सेक्टरों में जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 100 नहीं, हमारे लिए 400 तैयार होंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। धर्मेंद्र जी, अग्निवीर या सेना को लेकर जो राजनीति का आरोप है वो आपने मोदी सरकार पर लगाया, लेकिन करगिल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही और कहा कि मैं दल की नहीं देश की चिंता करता हूं, राजनीति कौन कर रहा है ये समझिए। आशा जी, अगर देश की बात करते हैं तो अग्निवीर जो योजना लाए हैं, जो युवा जा रहे हैं वो देश के ही तो हैं, तो देश के लोगों को, देश के युवाओं को पक्की नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हैं अगर वो देश के बारे में सोचते हैं? देश के जो सैनिक हैं, मैंने आपको बार बार कहा, दुनिया की कोई ऐसी फौज नहीं है जो भारत जैसे हाई मोरल के साथ युद्ध लड़ती हो। जितनी लड़ाइयां भारत ने जीती है, मैं आपको बता दूं, चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे बांग्लादेश की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, जितनी लड़ाई भारत ने जीती है वो आप समझिए कि उन्होंने एक जो मेंटल स्टेटस होता है भारत की फौज का, उस मेंटल स्टेटस से जीता है और उन्होंने अपने साहस से जीता है। अगर आप गोला बारूद की बात करोगे, आप रसद की बात करोगे, रेजांगला में 114 ही सैनिक थे भारत के और पूरी चाइना के 3000 सैनिकों का इकट्ठा कर दिए थे। तो अगर आप ये देखो भारत के सैनिकों का जो मोराल है, उस मोराल को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों अग्निवीर लेके आ रही है? अगर हमारा सैनिक ये संतुष्टि नहीं होगी कि हमारे आने वाले समय में अगर हमारी शहादत हो जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा, उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होगी, सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होगी। जयेंद्र जी बोलिए, कौन कौन उस मानसिक स्थिति से जाकर लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा? तो ये सुनिए, लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बात कर रहे थे ना, चाइना भारत में घुस के बैठा हुआ है और जयेंद्र जी, जयेंद्र जी, और ये बोलते भी क्या है, मैं कभी घुसा कर दूं, ना कभी घुसा है, ना कभी घुसे, धर्मेंद्र भाई एक मिनट, घुसा हुआ है फिर भी बोले बोले जयेंद्र, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है, आप लोग अपने अपने समय पर बात रखिए। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, नेहरू जी का विजन था कि सेना को डिसबैलेंस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और जब रेजांगला की लड़ाई हुई थी तो उस समय ये बोला जाता है कि सैनिकों के पास जो जूते थे ऐसा भी हो सकता है, अभी भरा जाए, सैनिकों के पास नहीं थे उस तकनीक के, जो उनके पास थे वो हमारे पास नहीं थे, अगर वो 120 सैनिक जिंदा होते, अगर उनके पास समुचित कपड़े होते, समुचित जूते होते और समुचित हथियार होते, बोलने दीजिए उनको। नहीं अरे भैया,
आप अपने नेहरू जी से पूछिए ना जाके कि क्यों सेना को खत्म करना चाहते थे। उनका कहना था कि इस सेना का क्या काम है एक आजाद हिंदुस्तान में। उन्होंने सारी खत्म कर दी, खत्म कर दी थी। अरे अरे क्या बात कर रहे हो, तो दोबारा आपने चालू कर दी है। देखिए आस्था जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन पूर्वक अपने सारे पैनलिस्टों को ये कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी को समझाइए, संविधान पर सवाल, सेना पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, अब भारत के स्वर पर सवाल, ये सारा कार्य आप करते हैं। कृपया ऐसे कार्य बंद करिए। समाजवादी पार्टी के लोग भारत माता को दान करते हैं। भैया पीएफआई का समर्थन करना, भारत माता का दान करना, आस्था भी इसी देश में लेफ्ट पार्टी चाइना का समर्थन करेंगे। जो बहस है देश में अभी जारी रहने वाली है और इस पर राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कारगिल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार इसी को लेकर किया और कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने झूठ बोला है और भ्रम फैलाया है। देश के सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो यह ऐलान कर चुका है कि अगर उसकी सरकार देश में आती है तो 24 घंटे के अंदर इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा।